तो रिसेंटली जो बाइडन ने अपनी प्रेसिडेंसी का सबसे ब्रेव डिसीजन लिया है, इन्होंने डिसाइड ये कर लिया है कि अब चाइना का जो सिंगचांग रीजन है वहां से कुछ भी इंपोर्ट यूएस नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर उइगुर मुसलमानों का हो रहा है जेनोसाइड। इनिशियली लग रहा था कि शायद जो बाइडन इस बिल पर साइन ना करे, मगर स्लीपी जो इस बार इतने स्लीपी नहीं रहे और इन्होंने साइन कर दिया है इस बिल पर। और चाइना का मीडिया एक्नॉलेज कर रहा है इस बात को। ग्लोबल टाइम्स ने आर्टिकल पब्लिश किया है कि जो उइगुर फोर्स लेबर बिल है, जिसके अंडर यूएस चाहता है कि सिंगचांग रीजन जो है चाइना का, ये ऑल टुगेदर ग्लोबल इंडस्ट्रियल चेन से बिल्कुल कट जाए, इस काम में यूएस सक्सेसफुल नहीं होगा और इन दी एंड अमेरिकन कंपनीज को ही नुकसान होने वाला है इस स्टेप की वजह से। और इसका रीजन क्या है? रीजन ये लोग बताते हैं कॉटन के, सिंगचांग रीजन से कॉटन इतना प्रोड्यूस होता है जिसके बिना यूएस काम नहीं चला पाएगा। ये है गोल्डन अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए। यूएसए में कॉटन की कमी होगी, चाइना एक्सपोर्ट कर नहीं पाएगा। इंडिया एक ह्यूज एक्सपोर्टर है कॉटन का, आप देखेंगे इन द फ्यूचर इंडिया के कॉटन एक्सपोर्टर्स को मैसिव बेनिफिट होगा बाइडन के इस मूव की वजह से।